कोशिश की गई। दो आरोपियों ने कार में बैठाकर युवती को किडनैप करने की कोशिश की है। युवती के शोर मचाने पर लोगों ने बदमाशों को पकड़ लिया, जिसके चलते युवती बच गई। स्थानीय लोगों ने बदमाशों को पुलिस के हवाले कर दिया। इन आरोपियों के पास से कार और चाकू बरामद किया गया है। तो झांसी रोड थाने के चेतकपुरी चौराहे का यह मामला है, जहां चाकू की नोक पर एक युवती को किडनैप करने के लिए बदमाश पहुंचे थे, लेकिन युवती ने शोर मचाया, जिसके चलते उसे आम जनता ने बचा लिया। तो आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ग्वालियर में लगातार ऐसी वारदातें सामने आ रही हैं और ऐसे में दोनों आरोपियों को अब गिरफ्तार कर लिया गया है। चाकू दिखाकर युवती को किडनैप करके ले जाने की फिराक में थे बदमाश, लेकिन आम जनता ने युवती को बचा लिया। अधिक जानकारी ले लेते हैं। संवाददाता उमेश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। उमेश, लगातार घटनाएं बढ़ती ही जा रही हैं, क्राइम रेट बढ़ रहा है ग्वालियर में, और ऐसे में ये मामला राहत भरा है क्योंकि युवती को बचा लिया गया। जी बिल्कुल, देखिए ये युवती के अपहरण का ये प्रयास किया गया था। दो आरोपियों ने चाकू की दम पर मारुति वैन में पहले युवती को बैठाने की कोशिश की जबरदस्ती, लेकिन वहां जो जैसे ही युवती चिल्लाई तो वहां आसपास के जो लोग थे उन्होंने युवती को बचा लिया और जो आरोपी है उनको भी दबोच लिया और आरोपियों को पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को पकड़ लिया है और जो आरोपियों कब्जे से मारुति वैन और एक चाकू भी बरामद किया है। अभी जो दोनों पकड़े गए जो बदमाश है उनसे पुलिस पूछताछ कर रही है, लेकिन जिस तरह से क्राइम हम देख रहे हैं लगातार जो ग्वालियर में बढ़ रही है, ये अच्छी बात है कि जो युवती है जो आसपास के जो लोग हैं उन्होंने उसको बचा लिया, तो कोई बड़ी घटना नहीं हुई। हालांकि अब जो ये जो पूरा जो मामला है वो झांसी थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है और पुलिस अभी आरोपियों से पूछताछ कर रही है और जो युवती है उसकी शिकायत पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। जी चलिए, धन्यवाद उमेश जानकारी के लिए। तो फिलहाल आरोपियों से पूछताछ की जाएगी, आखिर किन कारणों के चलते युवती को किडनैप करने की प्लानिंग करके आए थे, कार में बैठाकर अपहरण करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आम जनता की मदद से युवती को बचा लिया गया। एक मारुति वैन से एक बच्ची के अपहरण का प्रयास किया गया था। वो रिश्ते में उसके मामा की लड़की मतलब उसका जीजा लगता था। अब किन परिस्थितियों में कैसे वो करना चाह रहा था ये तहकीकात से पता चलेगा। और बाकी ये बच्ची अपने पिता का इंतजार कर रही है, उसके बाद फिर FIR और आगे की कार्रवाई। इधर